हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप ये जो व्लॉग देख रहे हैं ये लास्ट संडे का है। मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, टेक्निकल थोड़ा सा इशू हो गया था। ये वीडियो मेरी बनकर बिल्कुल तैयार थी, ये मैंने फ्राइडे को बनाकर रेडी कर ली थी, अपलोड भी कर दी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ जो ये अपलोड हो ही नहीं पाई। पूरा दो दिन मैंने इसे बार बार अपलोड जो है वो कैंसिल करके दोबारा रील अपलोड किया, लेकिन एक बार भी ये पूरी गई नहीं। आधी वीडियो तक चली गई थी, उसके आगे ये जा ही नहीं रही थी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैंने इसे दोबारा से कैंसिल करके फिर से एडिट किया है और फिर से मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। सच में एक व्लॉग बनाने में, एक वीडियो बनाने में सिर्फ मेरी ही नहीं, बहुत लोगों की बहुत मेहनत लगती है। अगर आप कभी भी किसी का भी वीडियो, किसी का भी कंटेंट देखते हैं तो और उसे इंजॉय करते हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, या आपको नहीं भी पसंद आता है, जो भी कुछ आपको जैसा भी एक्सपीरियंस रहा हो उसे कमेंट में ज़रूर से शेयर करें। वैसे तो रेगुलर बेसिस पे मैं बोलती नहीं हूँ अपने व्लॉग में कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लेकिन आज मन किया, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट कर दी। और इसका रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है जिसको जो करना होता है वही करता है। लोग आते हैं, वीडियो ज़रूर देखते हैं, बट उस हिसाब से ना तो सब्सक्रिप्शन आता है ना ही लाइक आता है। और ये मेरे साथ नहीं है, सबके साथ होता है। इसलिए मुझे लगता है कहने से कुछ नहीं होता, अगर कोई करता है अपनी खुशी से वो ज़रूर करके जाएगा, और अगर नहीं करना तो आप कितना भी कह लो वो नहीं करेंगे। वेल, मैं बना रही हूँ संडे ब्रंच। कहीं ना कहीं माइंड अब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर है कि संडे है, खाना और नाश्ता एक ही होगा, क्योंकि लेट उठना होता है, फिर सब कुछ लेट 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 होता है। और वैसे भी संडे थोड़ा सा नॉर्मल डेज से ऑब्वियसली अलग होना चाहिए। तो आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे, और मैंने इसमें अभी टमाटर डालने से पहले हल्दी जो है, फ्रेश हल्दी जो इस वक्त सीजनल है, बहुत ही ज़्यादा मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है, वो मैंने इसमें थोड़ी सी कद्दूकस करी है। सबसे बेस्ट वे लगता है मुझे ये रॉ या फ्रेश हल्दी मैं कहूँ कंज्यूम करने का। जो भी सब्ज़ी आप बना रहे हो उसमें थोड़ा सा कद्दूकस कर लो। मेरा तड़का बिल्कुल तैयार है, मैंने इसमें छोले ऐड कर दिए हैं, अभी अच्छे से पकेंगे और मैं बढ़ूंगी अपने भटूरे बनाने की प्रोसेस की तरफ। कुछ भी कहो यार, हमारा इंडियन फूड, स्पेशली इंडियन स्ट्रीट फूड, खाने में जितना लजीज है ना, उतना ही ज़्यादा टैम्पटिंग इसे बनते हुए देखना होता है। फिर चाहे ये कभी हम घर में बनाएं या फिर स्ट्रीट साइड, जब भी हम लोग किसी स्टॉल पे जाते हैं और वहाँ हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं, तो वहाँ भी जब वो लोग हमारा खाना प्रिपेयर कर रहे होते हैं, देख के एकदम मज़ा आ जाता है। फिर चाहे वो टिक्की हो, कुलचे हों, गोलगप्पे हों, या फिर इस तरह से गर्मा गर्म फूले फूले भटूरे, ना मेरी थाली बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग। अब हम लोग इसे इन्जॉय करेंगे पठान मूवी देखते देखते, जिसके चर्चे अभी हर जगह हो रखे हैं। बहुत दिनों बाद आज हम कोई बॉलीवुड मूवी देखेंगे। हम 90 सेकंड्स लेट हैं, एक मिनट पहला बचाएगा। देखा, मुझे पता था, मैंने तुम्हें बता ही दिया था। छोले भटूरे आज है नेक्स्ट डे, और प्रशांत का जो ऑफिस है वो रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट हो गया है, इसलिए मुझे ज़रूरत है कुछ स्नैक्स बनाने की। प्रशांत को ऑफिस से आते ही मंचिंग के लिए कुछ चाहिए होता है, और अगर मैं कुछ अच्छा सा स्नैक ना दूँ तो उल्टी सीधी चीज़ों पे मंचिंग होता है, जैसे कि पैक्ड नमकीन या फिर वेफर्स। इसलिए मैं बनाने लगी हूँ सूजी के गोलगप्पे, बहुत ही अच्छे बनते हैं घर पे, बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। और अच्छे से सूजी का आटा लगाने के बाद में ये किसी भी ग्लूटेन वाले फ्लोर की तरह ही रिएक्ट करता है, अच्छे से मैनेजेबल होता है। और इसकी एग्जैक्ट रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर करी है, जब मैंने एक बार चाट पार्टी व्लॉग बनाया था, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी इन केस यू वॉन्ट टू चेक आउट द रेसिपी। Thank you.
परफेक्ट कुरकुरे सूजी के गोलगप्पे बनकर तैयार हैं और अब मैं बनाऊंगी डिनर के लिए पाव भाजी। और जो पाव भाजी की रेसिपी है ये भी मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर करी है। ये रेसिपी बिल्कुल मैं कॉपी करती हूँ अपनी मम्मी से। मम्मी की पाव भाजी मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, इसीलिए जिस तरह से उन्होंने हमेशा हमें पाव भाजी बनाकर खिलाई है सेम उसी तरीके से मैं हमेशा पाव भाजी बनाती हूँ। बस एक ट्रिक मेरी अलग है जो मैंने आपके साथ कई बार शेयर करी है, वो भी मैं 99% ट्राई करती हूँ मैं इसमें दो टाइप के या दो ब्रांड से पाव भाजी मसाला इसमें डालूँ। और आज जो मैंने लिया है वो MDH से और दूसरा गोल्डी जो कि मैंने लखनऊ में ट्राई किया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मैं पाव भाजी के अलावा भी कभी कोई मिक्स वेज बनाती हूँ या आलू गोभी की सब्ज़ी, बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है वो मसाला उसमें भी। मैंने कर दिया है सब कुछ अच्छे से मिक्स, ये होगा अभी अच्छे से कुक और मैं करूँगी यहाँ पर प्लेटिंग क्योंकि प्रशांत आ गए हैं ऑफिस से एंड नाउ इट्स टाइम टू सरप्राइज हिम। दही वाले गोलगप्पे और पाव भाजी दोनों ही चीज़ बिल्कुल तैयार है और अब हम लोग करेंगे इसे एंजॉय। आप लोग भी बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। मैं मिलूँगी आप लोगों से फिर बहुत जल्दी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।